औरैया के एसपी रही चारू निगम, विदाई के समय हुई भावुक। औरैया से गाजियाबाद पीएसी में तबादले के बाद आईपीएस चारू ने वृद्धाश्रम में बुजुर्गों से मिलकर आशीर्वाद लिया। असम में बड़ी साजिश नाकाम, डिब्रूगढ़ में बरामद हुए दो ग्रेनेड। डीजीपी जीपी सिंह ने भी ट्वीट कर लिखा, ऊपरी असम में हिंसा की योजना विफल। गाजीपुर में मुख्तार अंसार की प्रॉपर्टी सरकारी संपत्ति घोषित, 12 करोड़ की संपत्ति की गई थी जब्त, मुख्तार के बेटों की अपील खारिज। नागपुर हिट एंड रन मामले में पुलिस ने महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख के बेटे को लेकर किया बड़ा दावा, बीफ बनाने की बात से किया इनकार। बीते सोमवार को बीजेपी चीफ के बेटे ने कई लोगों को टक्कर मारी थी। फतेहपुर में बायोमेट्रिक मशीन में अंगूठा लगाते वक्त हुआ विस्फोट, राशन कार्ड धारकों में मची अफरा तफरी, टेक्निकल टीम जांच में जुटी। हरियाणा चुनाव से पहले आरपीएफ अंबाला कैंप ने बड़ी सफलता, ट्रेनों में यात्रियों के पास से 4.5 करोड़ रुपए का सोना बरामद। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दिखी बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, सड़क पर घंटों तक तारों में होती रही स्पार्किंग, हो सकता था बड़ा हादसा। प्रदेश के सीतापुर में भेड़ियों ने एक और बच्ची पर किया हमला, पैर नोच कर किया घायल, गांव वालों के शोर मचाने पर भागा भेड़िया। बैराज में भेड़ियों की तलाश हुई थी, ड्रोन कैमरे की मदद से जारी तलाश, कैद हुए भेड़िया। बैराज में जारी भेड़ियों का आतंक, बुजुर्ग महिला पर किया हमला, भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश जारी। सीतापुर में भेड़िया का आतंक जारी, देर रात मिठाई की दुकान में घुसा भेड़िया, लोगों पर किया हमला, शोर मचाने पर भागा भेड़िया, कैमरे में कैद हुई घटना। अमेठी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा बदमाश फरार। मध्य प्रदेश के खंडवा में रिटायर्ड डॉक्टर के साथ क्लिनिक पर मारपीट, दो युवकों पर लगा आरोप, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मेरठ में आपसी लड़ाई में हेलीकॉप्टर की लूट, पैसे नहीं देने पर दूसरे पक्ष ने लूट को दिया अंजाम, पुर्जा खोलकर ट्रक में लाद कर ले गए लोग। बिजनौर में पुलिस ने होटल में की छापेमारी, होटल में 25 किलो गौ मांस बरामद, पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिहार के कैमूर में शिक्षक को 10वीं के छात्र को डांटना पड़ा भारी, छात्रों ने शिक्षक की पिटाई कर दी। हैदराबाद में मरीज ने डॉक्टर पर किया हमला, नशे की हालत में मरीज ने महिला डॉक्टर पर किया हमला। कर्नाटक के कलबुर्गी में ओला के शोरूम में आग, नाराज युवक ने वारदात को दिया अंजाम, नई इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए सही ग्राहक सेवा नहीं मिलने से था नाराज। अमेरिका के लॉस एंजलिस में तूफान फ्रांसन का कहर, तूफान की वजह से तेज हवाओं और बाढ़ ने मचाई तबाही, ताकतवर तूफान कटर आने वाली तस्वीरें आई सामने। अमेरिका के लुसियाना में तट से टकराया तूफान फ्रांसन, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, तूफान मचा सकता है भीषण तबाही। फ्रांस के फ्रेंच आल्प्स में भूस्खलन, पहाड़ से दरकते नजर आए पत्थर, लैंडस्लाइड की तस्वीरें आई सामने। सर्बिया और हंगरी पर सूखे की मार, द्वितीय विश्व युद्ध में डूबे जहाज आए सामने, 1944 में डूबे थे जहाज। लुसियाना में दुलैक में बड़ा हादसा, नदी के अंदर आपस में टकराए तीन जहाज, टक्कर के बाद जहाजों के नदी में डूबने की तस्वीर आई सामने। ब्राजील पैराग्वे बॉर्डर पर खेतों में लगी आग, चक्रवाती तूफान की वजह से आसमान तक धुएं का गुबार दिखा, खेतों में फैली आग। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगातार फैल रही आग, फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिश करते दिख रहे हैं, आसपास के इलाके को कराया गया खाली। कैलिफोर्निया के ऑरेंज काउंटी में पहाड़ों के ऊपर जंगलों में लगी आग, हवाई जहाज से आग बुझाने वाले केमिकल का किया जा रहा छिड़काव। कैलिफोर्निया में आग ने जंगल को किया तबाह, रिहायशी इलाके की तरफ पहुंची आग, आसमान में उठा धुएं का गुबार। और चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ ग्रेनेड हमले से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पाकिस्तानी आतंकी हैप्पी पसिया ने ग्रेनेड हमले की जिम्मेदारी ली है। एक पोस्ट करके दावा किया है,
एसपी का नाम भी इस पोस्ट में है। सुरक्षा कारणों से हम वो नाम आपको नहीं दिखा सकते हैं। बता दें आपको कि इस पोस्ट के मुताबिक पूर्व एसपी थे निशाने पर, जिसका खुलासा हुआ है चंडीगढ़ ग्रेनेड हमले से। ये जुड़ी खबर, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल अधिकारी इसमें निशाने पर थे, जिम्मेदारी भी इस मामले में ले ली गई है और ये कहा जा रहा है कि एसपी को ही निशाना बनाया गया था। दरअसल ये घटना कल सामने आई थी जहां चंडीगढ़ में एक घर पर हमला किया गया था और इस हमले के बाद चंडीगढ़ में या फिर पंजाब में अलग अलग जगहों पर रह रहे सिखों पर हमले या फिर सिखों पर को निशाना बनाए जाने को लेकर सवाल भी खड़े किए जा रहे थे। अब इस पूरे मामले का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आने की बात कही गई, लेकिन अब पोस्ट करके दावा किया गया है इस पूरे मामले में कि हमले में निशाने पर एसपी थे, अधिकारी को निशाना बनाकर यह हमला किया गया था। चंडीगढ़ ब्लास्ट का आतंकी कनेक्शन, ब्लास्ट के पीछे आतंकी रिंदा का हाथ। जांच एजेंसियों के हाथ लगे कुछ बड़े सुराग। चंडीगढ़ का पॉश इलाका सेक्टर 10 बुधवार को ग्रेनेड हमले से दहल गया। ऑटो से आए संदिग्ध बदमाशों ने घर के अंदर ग्रेनेड फेंका तो ग्रेनेड के ब्लास्ट से घर की खिड़कियों के शीशे टूट गए। जहां ग्रेनेड गिरा वहां 7 से 8 इंच का गड्ढा हो गया। इस हमले से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि इसी ऑटो में बैठकर हमलावर आए थे और ग्रेनेड फेंककर मौके से फरार हो गए। अब इस घटना को लेकर बड़ा आतंकी कनेक्शन सामने आया है। शक जताया जा रहा है कि पंजाब पुलिस के पूर्व एसएसपी को निशाना बनाकर यह हमला किया गया। बताया जा रहा है कि खालिस्तानी आतंकी रिंदा के इशारे पर यह हमला किया गया है। पुलिस को शक है कि हमले के पीछे पाकिस्तान में बैठे आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा और कनाडा में बैठे गैंगस्टर हैप्पी